हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फॉर इंजीनियरिंग में। हमारा उद्देश्य आपको दिखाना वो जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ में। इससे पहले मैंने आपको बर्न थ्रू के बारे में बताया था, ये उसी वेल्डिंग डिफेक्ट का एक और पार्ट है। लैक ऑफ फ्यूज़न एंड पेनिट्रेशन, लैक ऑफ फ्यूज़न क्या होता है और लैक ऑफ पेनिट्रेशन क्या होता है, राइट। आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। देखो, मेरा मानना है कि अगर आप एज अ क्यूसी काम कर रहे हो तो आपको वेल्डिंग के डिफेक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ सीखिए, ठीक है। लैक ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि लैक ऑफ फ्यूज़न, जहाँ पे फ्यूज़न नहीं हो पाता है वो एरिया अगर छूट जाता है तो क्या होता है, लैक ऑफ फ्यूज़न हो जाता है, राइट। देखिए लिखा हुआ है, लैक ऑफ यूनियन बिटवीन द वेल्ड मेटल एंड द पैरेंट मेटल और बिटवीन द सक्सेसिव लेयर्स ऑफ वेल्ड मेटल। लैक ऑफ यूनियन मतलब एक तरीके की कनेक्टिविटी बता रहा है बिटवीन द वेल्ड मेटल एंड पैरेंट मेटल। मतलब जब हमारा इलेक्ट्रोड जो होता है, जब हम वेल्डिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या होता है कि पूरा का पूरा पिघल जाता है, मेल्ट होके तब एक दूसरे से मिलता है, राइट। अगर वही ये बोल रहा है कि लैक ऑफ यूनियन बिटवीन द वेल्ड मेटल एंड पैरेंट मेटल, वेल्ड मेटल और पैरेंट मेटल मतलब जो आपका पाइप है उसके और उसके बीच में अगर किसी का जो भी कनेक्टिविटी है, अगर वो कनेक्टिविटी लैक कर जाती है, और बिटवीन द सक्सेसिव लेयर्स ऑफ वेल्ड मेटल, मान लो कि आपने एक लेयर मारा है वेल्डिंग का, उसके ऊपर फिर से आप वेल्डिंग मार रहे हो, दूसरा लेयर दूसरी बीड मार रहे हो, वहाँ पे भी अगर आप लैक कर जाता है तो क्या होता है, वो वही लैक ऑफ फ्यूज़न कहलाता है, राइट। लैक ऑफ फ्यूज़न होते कितने टाइप के हैं? देखो, लैक ऑफ फ्यूज़न 3 टाइप के होते हैं यहाँ पे। लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन, लैक ऑफ इंटरन फ्यूजन, लैक ऑफ रूट फ्यूजन। सबसे पहले हम बात करते हैं लैक ऑफ रूट फ्यूजन क्या होता है। लैक ऑफ रूट फ्यूजन मतलब जो रूट में आता है, रूट फ्यूजन कभी कभी मिस अलाइनमेंट की वजह से भी आता है। अगर मिस अलाइनमेंट मतलब इन द सेंस हाई लो है, ज़्यादा ओवरलैप करता रहता है पाइप, तब भी लैक ऑफ फ्यूज़न होता है। इंटरन फ्यूजन क्या होता है? जब वेल्डिंग स्टार्ट रहता है ना, वेल्डिंग चलता रहता है, बीच में जो फ्यूज़न होता है भाई साहब, उसको जो जो एरिया फ्यूज़ नहीं हो पाता है अच्छे से, वो इंटरन फ्यूजन में आता है। लैक ऑफ साइड वाल फ्यूजन, साइड वाल होता है कि जैसे वी शेप में आपका होता है, आपने देखा होगा जो आपका एंगल होता है ना, बेवेल एंगल, अभी आप बेवेल फेस ऐसे 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 आप वेल्डिंग मारते हो तो पूरा पूरा ग्रूव भरता जाता है। तो जो पैरेंट मेटल होता है, अब जो पाइप होती है जो 30 से 35 डिग्री के बीच में जो बेवेल एंगल उस पर बना होता है, बेवेल फेस पे, अगर अगर वो आपका बेवेल फेस अच्छे तरीके से उस साइड उस एरिया में फ्यूज़ नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन। चलो देखो, फिगर में दिखाते हैं आपको। ये देखिए, लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूज़न होता क्या है, ये देखिए, ये एरिया है, ग्रुप में ही वेल्डिंग मारा गया, ये देखिए एरिया छूट गया है थोड़ा सा, देख रहे हैं? अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये होता है लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूज़न, राइट। अब लैक ऑफ यूनियन बिटवीन द वेल्ड एंड पैरेंट मेटल एट वन और बोथ साइड ऑफ वेल्ड, वेल्ड के एक साइड पे भी हो सकता है, दूसरी साइड पे भी हो सकता है, राइट। अब दूसरी चीज़ ये समझो कि इसके कॉजेज़ क्या क्या है, प्रिवेंशन क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको कॉजेज एंड प्रिवेंशन सब पता होना चाहिए कि किस कारण से डिफेक्ट आ रहा है और इसका इसका प्रिवेंशन क्या है, हम इसके लिए क्या क्या मतलब उपाय क्या क्या है एक तरीके से आप इसको सही करने के लिए, राइट। अब कॉजेज़ पहले इसके कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। लू लिखा है इसमें, लो हीट इनपुट टू वेल्ड। अगर हीट इनपुट अच्छा नहीं हो रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर हीट अच्छे से नहीं होगा तो वेल्ड मेल्ट नहीं होगा, आपका मटेरियल जो है वो मेल्ट अच्छे से नहीं होगा, पिघलेगा नहीं। जब पिघलेगा नहीं तो एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं, जब मिलेगा नहीं मतलब एक तरीके का सोल्यूशन बनता है, राइट। पिघलने के बाद सोल्यूशन बनता है, उसके बाद जाके वो ठंडा होता है, तब जाके वेल्डिंग का रूप लेता है, राइट, वेल्ड का रूप लेता है। अगर हीट अच्छा नहीं होगा तो अच्छे से फ्यूज़ नहीं होगा, बिल्कुल ये सिंपल सी बात है। मोल्टन मेटल फ्लोटिंग अहेड ऑफ आर्क, आर्क के ऊपर अगर ये तैरने लगता है, राइट, लिखा गया मोल्टन मेटल जो पिघला हुआ मटेरियल है आपका, वो आर्क के ऊपर अगर आर्क के आगे आगे ये जो तैरने लगता है, ये भी इसका एक कॉज है। ऑक्साइड और स्केल ऑन वेल्ड प्रिपरेशन, अगर आप जो वेल्डिंग का प्रिपरेशन किए हैं, अगर उसके फेस पे ये ऑक्साइड वगैरह इसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव इंडक्टेंस इन मैग डिप ट्रांसफर वेल्डिंग,
इंडक्टेंस एकदम से इन द सेंस अगर हिंदी में बात करी जाए, एक तरीके से अधिष्ठापन बोलते हैं इसको, इंडक्टेंस का मतलब। अगर ज़्यादा इंडक्टेंस होता है वो भी, खास करके मैग वेल्डिंग के बारे में बात कर रहा है, तो भी क्या होता है कि आपके साइड वॉल फ्यूजन आने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं इसका प्रिवेंशन क्या है। लो हीट इनपुट टू वेल्ड अगर है तो भाई आप देखिए वोल्टेज को बढ़ाइए, वोल्टेज बढ़ाइए, करंट बढ़ाइए, डिक्रीज ट्रेवल स्पीड। बिल्कुल, अगर आप ट्रेवल स्पीड भी बहुत तेज़ी के साथ मार रहे हैं, मान लो कि सब कुछ सही चल रहा है, करंट भी सही है, हीट अच्छे से उसको मिल रहा है, लेकिन आप जल्दी जल्दी मार रहे हैं, तो वो एरिया अगर आप स्किप कर गए जल्दी जल्दी मारते समय वेल्डिंग, तो क्या होगा, अगर आपकी वहाँ पे ट्रेवल स्पीड मतलब अगर आपकी ज़्यादा है, अगर वो एरिया आपने लैग कर दिया, तो वहाँ पे भी वो चीज़ फ्यूज होने से बच जाएगा, मतलब छूट जाएगा, लैग कर जाएगा, राइट। दूसरा क्या है, इम्प्रूव इलेक्ट्रोड एंगल एंड वर्क पोजीशन, इंक्रीज ट्रेवल स्पीड, इम्प्रूव इलेक्ट्रोड एंगल, इलेक्ट्रोड एंगल आप इम्प्रूव करिए, एंड वर्क पोजीशन आपका काम करने का जो पोजीशन है उसको भी आप सही करिए, इंक्रीज ट्रेवल स्पीड मतलब काम करने का तरीका, जैसे वर्क पोजीशन मतलब वेल्डिंग का, राइट। इम्प्रूव इलेक्ट्रोड एंगल, अगर आप इलेक्ट्रोड को खास करके 75 to 80 डिग्री के बीच में करके मारा जाता है, अगर इलेक्ट्रोड बहुत ज़्यादा ऐसे कर लिए तब भी दिक्कत आने वाली है, बहुत ज़्यादा खड़ा कर लिए इलेक्ट्रोड को तब भी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, जो जो आपका एक तरीके का जो स्टैंडर्ड है वेल्डिंग मारने का, उसके अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रोड होना, इलेक्ट्रोड का एंगल होना चाहिए, राइट। अब वर्क पोजीशन, वेल्डिंग की पोजीशन भी अगर आप बिल्कुल आपकी सही होनी चाहिए, इंक्रीज ट्रेवल स्पीड, थोड़ी सी ट्रेवल स्पीड को मेंटेन किया जाए, इंक्रीज किया जाए, ज़्यादा धीमा नहीं होना चाहिए, राइट। ऑक्साइड और स्केल ऑन वेल्ड प्रिपरेशन इसको दिया गया है, इम्प्रूव एज प्रिपरेशन प्रोसीजर, एज प्रिपरेशन इन द सेंस, एज मतलब होता है किनारा, प्रिपरेशन ये एक तरीके से रूट फेस को, रूट फेस की बात कर रहा है, प्रिपरेशन इसका प्रोसीजर जो होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब लास्ट वाला जो है, एक्सेसिव इंडक्टेंस इन मैग डिप ट्रांसफर वेल्डिंग, इसके लिए दिया गया है रिड्यूस इंडक्टेंस इवन इफ दिस इंक्रीजेस स्पैटर। अच्छा, इवन इफ दिस इंक्रीजेज स्पैटर, स्पैटर होते हैं, स्पैटर भी देखो अगर वेल्डिंग मारो तो स्पैटर जो छोटे 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 दाने देखो पाइप के ऊपर आपको दिखते रहते हैं बगल में साइड में, वो स्पैटर कहलाते हैं, राइट। अब आगे चलो देखते हैं, ड्यूरिंग वेल्डिंग सफिशियंट हीट मस्ट बी अवेलेबल एट द एज ऑफ द वेल्ड पूल टू प्रोड्यूस फ्यूजन विद द पैरेंट मेटल। वेल्डिंग करने के दौरान आपको हीट इनपुट जो है वो मस्ट है भाई, बहुत ज़रूरी है खास करके, नहीं तो जो उसके एज होंगे वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होंगे और आपका वेल्ड पूल भी अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा, राइट। बता रहा है कि टू प्रोड्यूस फ्यूज़न विद द पैरेंट मेटल, हाँ पैरेंट मेटल के साथ में अच्छे से फ्यूज़ होके जो पूल बनता है ना, जब आप वेल्डिंग मारो तो देखो एक आकार बनता चला जाता है, एक छोटी सी मतलब आपको दिखेगा थोड़ा नाली टाइप का इसे बनता हुआ चला जाता है, राइट। जो वेल्डिंग मारता है उसको अच्छे से पता होता है, आप देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा। यह है लैक ऑफ इंटर इन्फ्यूजन। अब लैक ऑफ इंटर इन्फ्यूजन के बारे में बात करते हैं, इंटर इन्फ्यूजन के बारे में देखिए, यहाँ से जैसे है कि यहाँ से इस बंदे ने स्टार्ट किया, ये ग्रुप ये से वी शेप में बना रहा होगा, यहाँ करते करते यहाँ, यहाँ देखो ये एरिया, ये एरिया बीच में कहीं लैक कर जाए, तो वो क्या होता है, इंटर इन्फ्यूजन। मान लो उसने एक बीड मार दिया, राइट, एक बीड वेल्डिंग पूरा कंप्लीट कर दिया, देखिए उसके बीच में जो छूटा हुआ है ये पोजीशन देख रहे हैं, ये सब क्या है, इंटर इन्फ्यूजन, बीच में अगर आ रहा है तो वो होता है इंटर इन्फ्यूजन, राइट। अब इसके कॉजेस और प्रिवेंशन क्या है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, इसके कॉजेस क्या हैं भाई, लैक ऑफ यूनियन अलॉन्ग फ्यूजन, अच्छा फ्यूजन लाइन बिटवीन द वेल्ड बीड, देखा वेल्ड बीड बिटवीन द वेल्ड बीड बोल रहा है, फ्यूजन लाइन और वेल्ड बीड के बिटवीन में जो मतलब कनेक्टिविटी लैक कर जाती है वो होता है इंटर इन्फ्यूजन, राइट। अब कॉजेस क्या है इसके, लो आर्क करेंट रिजल्टिंग इन लो फ्लूडिटी ऑफ वेल्ड पूल, दिया गया है कि लो आर्क करंट रिजल्टिंग मतलब एक तरीके से ये बोल रहा है कि अगर आपका करंट बहुत स्लो है, समझ रहे हैं, तो वेल्ड पूल की जो फ्लूडिटी है ना उस पे ये निर्भर करता है भाई। और आगे क्या है, टू हाई या ट्रेवल स्पीड, ट्रेवल स्पीड भी अगर ज़्यादा है, बिल्कुल बात सही है, अगर आपकी ट्रेवल स्पीड बहुत ज़्यादा है तो कोई भी चीज़ छूट जाती है, अगर आप जल्दी जल्दी में जा रहे हैं कोई भी काम है तो छूटने के चांसेस ज़्यादा हैं।
इन एक्यूरेट बीड प्लेसमेंट, बीड का जो प्लेसमेंट है ना, अगर आपने एक मारा है उसके ऊपर मारना है तो उसके ऊपर ही मारिए, इधर उधर मत बहकिए, मार रहे हैं इधर चले गए इधर, ऐसे नहीं करना है। अगर आप सीधा मारे तो सीधा ही मारिए, उसके उसके ऊपर ही मारिए, राइट। ये तरीका है। इसके लिए बोल रहा है इंक्रीज करेंट, करेंट को इंक्रीज किया जाए। दूसरा है रिड्यूस्ड ट्रेवल स्पीड, रिड्यूस्ड ट्रेवल स्पीड इन द सेंस कि थोड़ा सा ट्रेवल स्पीड को कम करने के लिए बोल रहा है, कहने का मतलब कि ट्रेवल स्पीड को मेंटेन किया जाए, राइट। रीट्रेन वेल्डर, इसके लिए क्या है कि अगर आपका इनएक्यूरेट बीड प्लेसमेंट है तो भाई रीट्रेन किया जाए, उस वेल्डर को दोबारा से ट्रेनिंग दी जाए। लैक ऑफ इंटरन फ्यूजन प्रोड्यूसेस क्रेविसिस बिटवीन द वेल्ड बीड्स एंड आगे क्या है ये कॉजेस लोकल इंट्रैपमेंट ऑफ स्लैग। अच्छा, ये इस तरीके से बता रहा है कि अगर बीच में कहीं छूट भी आता है, मान लो लैग करते मतलब फ्यूज होने से छूट गया, लैग कर गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्लैग बनने के भी चांसेस होते हैं, स्लैग भी प्रोड्यूस करता है ये चीज़। बिल्कुल, स्लैग बीच में ही बनते हैं, बात सही है, ऊपर भी बनते हैं, लेकिन जो स्लैग बनते हैं, स्लैग बनते किस लिए हैं, यही जो अच्छे तरीके से फ्यूज़ नहीं होता है, आपका मेटल अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं हो पाता है, तो क्या बनता है वो सॉलिड इंक्लूजन में एक तरीके से स्लैग बन जाता है, राइट। अब लैक ऑफ रूट फ्यूजन, रूट फ्यूजन क्या है भाई, रूट फ्यूजन के बारे में बात करते हैं। लैक ऑफ रूट फ्यूजन का डायरेक्टली आपको दे दिया गया है, कॉजेस दिया गया है, लो हीट इनपुट, इनपुट इन अगर हीट इनपुट कम है, मतलब अगर आप हीट प्रॉपर नहीं है तो सिंपल सी बात है पिघलेगा ही नहीं। इसके लिए दिया गया है इंक्रीज वेल्डिंग करेंट एंड वोल्टेज डिक्रीज ट्रेवल स्पीड, ये प्रिवेंशन में दिया गया है। एक्सेसिव इंडेंटस, ये दही वाला है। MMA इलेक्ट्रोड टू लार्ज, इसमें दिया गया है कि मैनुअल मेटल आर्क का जो इलेक्ट्रोड है टू लार्ज है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए रूट मारते समय। रिड्यूस इलेक्ट्रोड साइज, इसीलिए देखो वेल्डर जो होते हैं कभी कभी तोड़ देते हैं इलेक्ट्रोड को आधे से, उसके बाद मारते हैं रिड्यूस, मतलब इलेक्ट्रोड साइज को छोटा कर लेते हैं, राइट। यूज़ अ वर्टिकल डाउन वेल्डिंग, वर्टिकल डाउन मतलब समझ रहे हैं आप, वर्टिकल डाउन बोल रहा है इसमें, नीचे की ओर, डाउन हिल, समझ रहे हैं। अगर आप यूज़ ऑफ वर्टिकल डाउन वेल्डिंग कर रहे हैं तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे लैक ऑफ रूट फ्यूजन, इसलिए स्विच टू वर्टिकल अप प्रोसीजर, राइट। आप स्विच करिए वर्टिकल अप प्रोसीजर में। लार्ज रूट फेस, रूट फेस अगर आपका बड़ा है तो भी बिल्कुल बात सही है, रूट फेस अगर ज़्यादा है तो दिक्कत आने वाली है। रिड्यूस रूट फेस, रूट फेस को थोड़ा सा कम किया जाए प्रॉपर उसका, ऐसा मतलब जब आप फिटअप कर रहे हो पाइप का तो आप देख लो रूट फेस आपका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल रूट गैप, गैप दोनों पाइप के बीच की गैप की बात कर रहा है, अगर गैप बहुत कम रहेगा तब भी नहीं हो पाएगा, फ्यूज अंदर तक पहुँचेगा ही नहीं, राइट। इंश्योर करेक्ट रूट ओपनिंग, इंश्योर करो और करेक्ट करो कि आपका रूट का जो ओपनिंग है वो बिल्कुल सही होना चाहिए भाई, राइट। इनकरेक्ट एंगल वाले इलेक्ट्रोड मैनिपुलेशन, आपका इलेक्ट्रोड का एंगल अगर इनकरेक्ट है तब भी क्या होगा कि ये लैक ऑफ रूट फ्यूजन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए क्या है कि इलेक्ट्रोड का एंगल बिल्कुल सही किया जाए, राइट। और वेल्डर इज़ फुली क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट, कह रहा है कि वेल्डर आपका फुली क्वालिफाइड होना चाहिए, राइट। एक्सेसिव मिस अलाइनमेंट एट रूट, हाई लो की बात कर रहा है, मिस अलाइनमेंट एक प्रॉपर वर्ड है लेकिन उसको हम हाई लो जो बोलते हैं ना वही मिस अलाइनमेंट होता है, मिस अलाइनमेंट मतलब ऐसे, राइट, ऐसे ऐसे तो पाइप मिल गया ऐसे, राइट, मिस अलाइनमेंट की बात कर रहा है। अगर एक्सेसिव मिस अलाइनमेंट एट रूट, रूट पे ज़्यादा मिस अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए, इंश्योर करेक्ट अलाइनमेंट, आप अलाइनमेंट बिल्कुल सही करो तब आप उसके आप वेल्डिंग मारो, राइट। तो ये है आपका एक बार रूट फ्यूज़न, लैक ऑफ रूट फ्यूज़न, देखिए लैक ऑफ रूट फ्यूज़न का देखो दिया गया ये चित्र, देखिए फिगर देख रहे हो, उसका रूट इस वाले एरिया में तो फ्यूज़ कर गया है लेकिन ये वाला एरिया फ्यूज़ नहीं कर पाया है। अगर रूट फेस आपका बड़ा है, यहाँ तक है जैसे दिख रहा है, रूट फेस इसका बड़ा है, रूट फेस क्या होना चाहिए थोड़ा सा कम होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए, तब जाके ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, राइट। उतना भी ज़्यादा नहीं करना है कि बर्न थ्रू हो जाए, राइट, और उतना कम भी नहीं करना है कि लैक ऑफ रूट पेनिट ये रूट फ्यूज़न हो, राइट। तो ये चीज़ें होती है भाई, ये होता है रूट फ्यूज़न। एक तरीके से जितने भी
फ्यूज़न के टाइप थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। होप सो कि आपको अब लैक ऑफ फ्यूज़न के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, आप मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। राइट, लैक ऑफ फ्यूज़न, लैक ऑफ इंटरन फ्यूज़न, लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूज़न, लैक ऑफ फ्यूज़न तीन टाइप के होते हैं। जल्दी जल्दी से दोबारा बता देता हूँ आपको, लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूज़न, लैक ऑफ इंटरन फ्यूज़न, लैक ऑफ रूट फ्यूज़न। लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूज़न क्या होता है कि साइड 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 में अगर आप कहीं लैक कर जाता है फ्यूज़ होने से तो साइड साइड वॉल फ्यूज़न होता है। राइट, इसके लिए किया क्या कि लो हीट इनपुट टू वेल्ड, मोल्टर मेटल फ्लोडिंग अहेड ऑफ आर्क, ऑक्साइड और स्केल ऑन वेल्ड प्रिपरेशन, एक्सेसिव इंडक्टेंस इन मैग डिप ट्रांसफर वेल्डिंग। राइट, ये इसके कॉजेज हैं। प्रिवेंशन में आपको दिया गया है इंक्रीज आर्क वोल्टेज और वेल्डिंग करंट, डिक्रीज ट्रेवल स्पीड, ट्रेवल स्पीड को कम करो, इम्प्रूव इलेक्ट्रोड एंगल, इलेक्ट्रोड एंगल को आप क्या करो, इम्प्रूव करो, बढ़िया करो, वर्क पोजिशन आपकी सही होनी चाहिए, इंक्रीज ट्रेवल स्पीड, थोड़ी सी ट्रेवल स्पीड को क्या करो, बढ़ा लो, बिल्कुल सही बात है। इम्प्रूव एज प्रिपरेशन प्रोसीजर, एज प्रिपरेशन का जो प्रोसीजर है उसको भी आप सही करो। राइट, रिड्यूस इंडक्टेंस इवन इफ दिस इंक्रीजेस स्पैटर, ये चीज़ है। अब आ गया आपका लैक ऑफ इंटरन फ्यूजन। इंटरन फ्यूजन क्या होता है कि जो बीच में ड्यूरिंग वेल्डिंग में आता है, जो ड्यूरिंग वेल्डिंग में फ्यूज मतलब आपका मेटल जो है वो फ्यूज नहीं होता है ड्यूरिंग वेल्डिंग। राइट, वो होता है इंटरन फ्यूजन, और ये मैक्सिमम चांसेस पे स्लैग का रूप ले लेता है। राइट, तो ये आपको ध्यान देना है। वैसे इसका फिगर भी आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे ये भी है। ठीक, तो ये देख लीजिए उसके आगे क्या है, इसके कॉजेस दिए गए हैं भाई। लो आर करंट रिजल्टिंग इन लो फ्लूडिटी ऑफ वेल्ड पूल टू हाई ट्रेवल स्पीड, इन एक्यूरेट बीट प्लेसमेंट। इसमें क्या है कि इंक्रीज करंट, इसको इंक्रीज करके तब आप सही कर सकते हो, इसको रिड्यूस ट्रेवल स्पीड को रिड्यूस करके कर सकते हो, रिट्रेन वेल्डर को रिट्रेन करो। उसके बाद लैक ऑफ रूट फ्यूजन, रूट फ्यूजन में मैंने आपको बताया दिया है, रूट फ्यूजन बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये रूट फ्यूजन का फिगर है। राइट, रूट फ्यूजन ही हुआ यहाँ पे, तो ये चीज़ है भाई। होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा भाई। आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ना, ये AWS का है, पूरा का पूरा अमेरिकन वेल्डर सोसाइटी का है, खास करके CC 3.1 जब आप उसके लिए तैयारी करोगे तो ये उसी का है। राइट, तो आपको जो भी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, और इस बात की गारंटी है दोस्त, इतना बारीकी से आपको कोई भी पाइपलाइन के बारे में बताने वाला नहीं है। एक एक वीडियो अच्छी तरीके से देखो, एक अच्छे QC इंजीनियर बनो। राइट, कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है मुझसे आप पूछो। चलो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो भाई एक बार लाइक करो, चैनल को मेरे जाके सब्सक्राइब कर लो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके थोड़ा सा शेयर कर दो। राइट, चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।